झारखंड की राजनीति अब सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में करवट ले रही है और लोग अब पैसे से वोट अपना बेचने के फेवर में नहीं है। उनका स्पष्ट कहना है कि जो योग्य प्रत्याशी आएगा, जो विजनरी लीडरशिप दे पाएगा, जो पोटेंशियल लीडरशिप दे पाएगा, जो नीति निर्माण की समझ रखता होगा, ऐसे प्रत्याशी को ही वो चुनाव में जिताएंगे और विधानसभा भेजेंगे, ताकि जनसभा के माध्यम से सरायकेला से लेकर खूंटी से लेकर पलामू और सिमडेगा तक से जो हम लोगों ने ख्वाब देखा है, स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, उद्योग नीति की बात हो या विस्थापन नीति की बात हो, इन नीतियों का निर्माण करने के लिए सकारात्मक लोग, विकासात्मक सोच वाले लोग, रचनात्मक सोच वाले लोग विधानसभा पहुंचेंगे। उसकी एक नया आगाज और एक नया मिसाल जो है ये रामगढ़ विधानसभा कायम करेगा। रामगढ़ जिला सबसे अमीर जिला में शुमार होता है, खान खनिज भरे पड़े हैं, लेकिन जब बात आती है शिक्षा की तो जिला बदहाल है, जब बात आती है चिकित्सा सुविधा की तो जिला पूरी तरीके से रांची पर डिपेंडेंट है, बात आती है रोजगार की तो 200 से ज़्यादा फैक्ट्रियों के होने के बावजूद यहाँ के युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और दर दर भटकने को मजबूर। आपने कहा दादा कि अयोग्य लोगों के हाथों में ये चला गया है, तो आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हम तो बहुत ही ज़्यादा ITI कॉलेज खोल दिए हैं, इंटर कॉलेज खोल दिए हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा कर दिए हैं। यही सवाल जब पेयजल विभाग में कनीय अभियंताओं की नियुक्ति की बात जिसे पूछा था कि भाई हमारे विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लेकिन फिर भी जो वैकेंसी आई उसमें 137 के लगभग वैकेंसी आई थी, लेकिन 98 लोग UP, कानपुर और लखनऊ के लोग आके भर गए थे। जब हमने यह सवाल मंत्री जी से पूछा, उस समय हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो मंत्री महोदय ने बोला कि रामगढ़ में इंजीनियरिंग की डिग्री वाले लोग ही नहीं हैं, काबिल लोग ही नहीं हैं। तो सवाल ये वाजिब है कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज अगर हमारे ज़िले में है, हमारे विधानसभा में है, तो डिग्रियां हमारे विधानसभा में क्यों नहीं है? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बात तो झूठ है। पहली बात कि कॉलेज तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ या पॉलिटेक्निक की डिग्रियाँ मिल रही है? अगर डिग्रियाँ हमारे पास होती तो रोज़गार हमारे पास होता। तो ये एक छलावा है, एक प्रोपेगेंडा है, ठेकेदारी है। उन लोगों ने ठेकेदारी पर्पज से कॉलेजों का निर्माण कराया, लेकिन आज भी आप देख लीजिए कि उन कॉलेजों को कनेक्ट करने का कोई कनेक्टिंग रोड नहीं है। जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो बाहर के लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। रामगढ़ के लोगों के लिए कोई विशेष रिजर्वेशन या विशेष प्रायोरिटी जैसा कोई नियम कानून रामगढ़ में नहीं। आपने कहा यहाँ पे रामगढ़ में 200 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं और लेकिन यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो राज्यपाल के द्वारा तो ऑलरेडी नियम बना हुआ कि 75% लोगों को रोज़गार मिलेगा। देखिए, लोकल लोगों को रोज़गार तभी मिल पाता है जब उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी उनके विधायक उनके लिए वोकल हो पाते हैं, जब उनके लिए वो आवाज़ उठा पाते हैं।